सनसनी ऑफ इंडिया। आठवीं कक्षा के 12 वर्षीय स्कूली छात्र सौरभ के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को बदरपुर थाना पुलिस ने मात्र 12 घंटे के अंदर सुलझाते हुए स्कूल के ही दो छात्रों को गिरफ्तार किया है। मृतक छात्र ने स्कूल परिसर में अपने दो सहपाठियों को सिगरेट पीते हुए देखा और प्रिंसिपल को बताने की धमकी दी। सिगरेट पीने की शिकायत प्रिंसिपल से ना कर दे सौरभ, इसलिए दोनों छात्र उसे बहला फुसलाकर स्कूल के पीछे सुनसान जगह पर ले गए और पत्थरों से सिर कुचलकर हत्या करके फरार हो गए। संदिग्ध हत्यारे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए, जिसकी तफ्तीश करती हुई बदरपुर थाना पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची, लेकिन पता लगा कि आरोपी भी नाबालिग है और मृतक के स्कूल में ही पढ़ने वाले दो छात्र हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। दिनांक 27 अप्रैल 2023 रात 8:20 के आसपास थाना बदरपुर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। कॉल करने वाली महिला थी। महिला ने पुलिस को बताया कि बदरपुर मोलरबंद खान सरकारी स्कूल खाटू श्याम पार्क में दो लड़कों ने स्कूल की ड्रेस पहने एक 5-6 साल के बच्चे की हत्या कर दी है। कॉल मिलते ही बदरपुर थानाध्यक्ष ईश्वर सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर पुलिस टीम को स्कूल यूनिफॉर्म पहने 12-13 साल के एक लड़के की लाश मिली। टेक्स्ट बुक्स और अन्य पढ़ाई सामग्री से भरा एक स्कूल बैग ऊंचाई पर पड़ा हुआ था। पानी की निकासी के लिए बने नाले में मृतक का सिर डूबा हुआ था। स्कूल बैग से करीब 5-6 गज की दूरी पर खून से सने 4-5 पत्थर पड़े मिले और साथ ही खून से सना सफेद रंग का गमछा भी मिला। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की क्राइम टीम ने क्राइम सीन को बारीकी से चेक किया और मौके पर मिले सबूतों की फोटोग्राफी करने के बाद उन्हें अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतक के शव को एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक बच्चे की पहचान डी 132 बिलासपुर कैंप मोलरबंद गांव निवासी 12 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई। मृतक लड़का एमसीडी स्कूल ताजपुर पहाड़ी नई दिल्ली में 8वीं कक्षा का छात्र था। मृतक सौरभ अपने पिता हरिहर पासवान के साथ बिलासपुर कैंप मोलरबंद गांव में रहता था। माँ एक कंपनी में जॉब करती है और पिता पेंटर है। परिवार में दो बहनें भी हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है। सुबह होते होते स्कूली छात्र की हत्या की खबर आग की तरह इलाके में फैल गई। इससे गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने शुक्रवार सुबह ताजपुर रोड को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धरना दे रहे लोगों को पुलिस और स्थानीय नेताओं ने काफी समझा बुझाकर रास्ता खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन धरना दे रहे लोग इस बात पर अड़े रहे कि जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते वो यहाँ से नहीं हटेंगे। उसको पकड़ा जाए, पकड़ा जाए। एक बच्चे का इंसाफ चाहिए, इसका एक ही बेटा का सहारा। सुनो सुनो, आप बोलो, आप बोलो। जिस बच्चे ने उसको मारा है, स्कूल में मारा है, किसने मारा है, किसने नहीं मारा है, हमें नहीं पता। कुछ क्लू मिले, एसएचओ साहब ये कह रहे हैं सुराग मिला है और आज ही हम उसे पकड़ लेंगे। मौके पर पहुंचे एसीपी सरिता विहार चाहते तो पुलिस बल का इस्तेमाल करके धरने पर बैठे लोगों को तुरंत खदेड़ सकते थे, लेकिन स्कूली छात्र की हत्या का दुख उनको भी था और वो भी चाहते थे कि हत्यारे जल्द से जल्द पकड़े जाए। और पीएम में लेट होगा, सुनिए मेरी पीएम में लेट होगा, उसके बाद फिर जो लड़कों ने घटना करी है उन लड़कों को पकड़ने में देरी होगी। 100% सहमत हूँ, पर अभी इनमें आक्रोश है। देखो, हाँ मैं समझ रहा हूँ, जिसका बच्चा जाता है उसके मैं भी समझ रहा हूँ, एक यहाँ से उठना भी हमें पड़ेगा, मैं भी मान रहा हूँ। दूसरी बात ये, जैसे वहाँ पर आपने बताया स्कूल की ना दीवार नहीं है, चार दीवारी नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी लिखेंगे कि वो चार दीवारी इसकी कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी चीज़ जैसे यहाँ पर आपने बताया कि यहाँ पर पेट्रोलिंग की टेप नहीं पड़वा देंगे, ठीक है ना। उनकी एक मांग थी कि कातिलों को जल्द से जल्द दबोचा जाए। एसीपी सरिता विहार ने मौके की नजाकत को समझते हुए बड़ी समझदारी के साथ काम किया। धरने पर बैठे लोगों को समझाने के साथ साथ बदरपुर थाना पुलिस और क्राइम टीमों को मामले की जांच में लगा दिया। जहां एक तरफ लोग धरने पर बैठे थे, वहीं बदरपुर थाना पुलिस और क्राइम टीमें क्राइम सीन के आसपास से सबूत जुटाने में लगी हुई थी। क्राइम सीन के पास जांच टीमों को एक बच्चा मिला, जिसका कहना था कि वारदात के समय वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दूरी पर बैठा था और उसने किसी लड़की की आवाज सुनी थी। आवाज आई थी, दो लड़के करते कि मार दिया वो लड़की, अरे आ जाओ, मार दिया मैंने। किसको मारा? लड़का था, छोटा सा बच्चा। किसने मारा था? दो एक लड़की ने। आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? हम लोग वहाँ बैठे थे, लड़के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। लड़के कौन चिल्ला रहे थे? दो लड़के थे, बोले आ जाओ मार दिया लड़की।
लड़की ने मारा है? हाँ। तो लड़की को भागते हुए देखा था आपने? नहीं, वो तो नीचे कहीं से निकल गई थी, ऊपर नहीं आई थी दोबारा से। ऊपर चढ़ के भी नहीं आए थे। जांच में पुलिस को पता चला कि जिस महिला ने पुलिस को कॉल करके वारदात के बारे में सूचना दी थी, वो महिला छात्र की लाश देखकर जोर जोर से बोल रही थी कि मार दिया मार दिया। बच्चे ने बस आवाज सुनी थी तो उसे लगा कि किसी लड़की ने मर्डर कर दिया है, जो मर्डर करने के बाद जोर जोर से बोल रही है कि मार दिया मार दिया। पुलिस ने लड़की के एंगल को रूल आउट किया और मृतक छात्र के साथ पढ़ने वाले बच्चों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। एक टीम स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई थी। लगभग एक दर्जन सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद पुलिस को अहम सुराग मिला। सीसीटीवी कैमरों में दो लड़के कैद हुए, वो मृतक के कंधे को पकड़ते हुए उसे स्कूल से बाहर ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे। तफ्तीश के दौरान दोनों संदिग्ध आरोपियों को पकड़ लिया गया। वो मृतक के ही स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग छात्र निकले। इन्होंने पुलिस को बताया कि असल में मृतक सौरभ ने उन्हें स्कूल के अंदर स्मोकिंग करते हुए देख लिया था। वो इस बात को स्कूल टीचर से बताने की बात बोल रहा था। इसी से गुस्सा होकर वो उसे बहला फुसलाकर स्कूल के पीछे एक नाले के पास ले गए, जहां उसकी गमछे से गला घोटकर और पत्थरों से सिर और चेहरे पर वार कर हत्या कर डाली। इसके बाद शव नाले में फेंक कर वो वहां से भाग आए थे। पुलिस ने दोनों नाबालिग आरोपियों को बाल सुधार गृह भेज दिया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू।